ये सुनील है और अपनी क्लास का स्टूडेंट रहा हुआ है। ये इनका सिलेक्शन हुआ है, ये एलडीसी में सिलेक्ट हो गए थे और झालावाड़ में इनकी पोस्टिंग है जूनियर असिस्टेंट के, और आगे भी ये हम आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरएस वगैरह होगी। क्योंकि आपको पता है कि भाई एक बार यदि हम सेट हो गए ना, चाहे हम ग्रुप डी में हो गए चाहे कहीं भी हो गए, क्योंकि जॉब कोई छोटी नहीं है, उसके बाद आप कितनी बड़ी जॉब हासिल कर सकते। कोई टीचर की तैयारी करता है तो उसको भी खूब टाइम मिलता है, ये भी कह रहे हैं 5 घंटे की जॉब है मुझे वक्त मिल जाता है तो मैं कर सकता हूँ। और वक्त मिले ना मिले, जो सिलेक्ट हो जाता है ना वो अपने आप टाइम निकाल लेता है। सिंपल सोपर ये बात है, अपने आप टाइम निकाल लेता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसका दिमाग चलने लग जाता है। तो ये सिलेक्ट हुए हैं, बड़ा हमारा सौभाग्य है और मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कि इन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। और ये जो नौकरी प्राप्त कर ली, आप जानते ही हो कि ये इनके प्रकरण हमें भी इसका प्रॉफिट होता है, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि अब इनसे जो पूछेगा ना, इन ये जो बात बोलेंगे वो अंतिम बात, क्योंकि इन्होंने भुगत लिया इधर उधर जाके कहीं ना कहीं कुछ करके, जो करना था इन्होंने कर लिया ये बताते भी हैं। तो इनसे ना कुछ बात आप इनसे पूछ सकते हो या आप बताइए, जो भी जैसा आपका सिस्टम रहा, कम से कम शब्दों में नीट एंड क्लियर जो भी है। और जो बच्चे यहाँ ये पढ़ते हैं ये क्या करें, क्योंकि इनमें क्या है, हालांकि ये सही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है सामाजिक वो माया होती है, इधर से उधर उधर से उधर मामला क्या बिगड़ता रहता है। कई बार क्या दूसरे डोमिनेट हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, तो फिर क्या ये पटरी से नीचे उतर जाते हैं, और जब पटरी से नीचे उतर जाते हैं तो इसका मतलब फिर वक्त देना पड़ता है। तो ये इसके बारे में इनको कुछ आप बात बताओ ताकि ये सही तरीके से तैयारी कर सके। तो सर के यहाँ क्वेश्चन का करो, जैसे सर भी बताते हैं कि आपको रिवाइज करना है, तो मैं ध्यान से सुनते रहना इनकी एक एक बात, मेरी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इनकी। राजस्थान जी के साइंस है तो मैंने खूब रिवाइज किया, रोज मैं राजस्थान जी के वो रिवाइज करता था, मैं क्या कि पार्ट में डिवाइड कर रखा था राजस्थान जी को, तो राजस्थान का ज्योग्राफी अलग टाइम पर पढ़ता था, मैं मॉर्निंग में मेरे को 7 से लेकर 10 बजे तक राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, उसको भी मैं डिवाइड करके रखता था कि भाई ये पार्ट अपनी कल पढ़ा है इससे आगे वाला अपन को आज पढ़ना है। हर 2-3 दिन में मैं राजस्थान जी के का एक पार्ट रिवाइज करता था, जैसे ज्योग्राफी है हर 2-3 दिन में रिवाइज, उसके बाद ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री है उसको भी मैं रिवाइज कर करके पढ़ता था। टॉपिक बना लीजिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट जो भी नोट्स, जैसे मैंने मेवाड़ का पढ़ा था उसको मैंने 2 पेज में या 3 पेज में शॉर्ट करके, मेरे को जो याद हो गया मैं उसको शॉर्ट करता था, जो याद नहीं हो उसको शॉर्ट करके अपने नोट्स बना लेते वही पढ़ता था। फिर रोज रिवाइज चलता था मैं राजस्थान जी का, एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा किसी भी रिवाइज। सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने रिवाइज को महत्व दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सर के लिए यूट्यूब पे जो करंट अफेयर्स की वीडियो चलती है वो रोज देखना, प्लस अब पेपर की ओर वीडियो तो मैंने एक भी नहीं छोड़ा सर का 2018 की मेरे पास आज भी पसंद नहीं करते ना, वो वही बात है, हर चीज़ आती है यूट्यूब से पढ़ा तो कोई नहीं थी पढ़ाते ना सर यूट्यूब में करंट अफेयर्स के, उससे किताबों में मिलेगी आपको प्रतिवेदन भी समझ नहीं आएगा आपको कराओगे एक बार, हालांकि मैं प्रतिवेदन लाता था इनके पढ़ने के बाद पढ़ता था मैं, तो मेरे को एक बार दोबारा में याद कर किताबों की बहुत शौकी किताबों की सर, जिसे अपन आप पढ़ाते हैं उसके बाद पढ़ते हैं ना एक बार भी याद रहती है अपन ही पढ़ लिया, और फ्रंट पेज को भी रिवाइज करते हैं हर 2-3 दिन 5 दिन उसको रिवाइज करते चलो तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से याद रहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने जो सिस्टम तैयार किया है इनमें सबसे ज्यादा योगदान इनका रिवाइज करो। आपको आता है ना तो भी आप उसको पढ़ो, मतलब ये जो लाइन है ना ये नाराज होते हैं कि क्या बात है बार बार पढ़ता रहता है, मजाक बड़ा रखे, मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए रिवाइज करो बार। अभी आप आरएस के पेपर देखे होंगे उसमें क्या गलतियां की है लोगों ने, आते आते क्वेश्चन गलत है उसका कारण क्या है रिवाइज, और कोई कारण नहीं। हम क्या करते हैं ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मूल बातों को भूल जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही गलती है। एक मेरा टाइम शेड्यूल था कि भाई इस टाइम पे ये पढ़ना है तो यही पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है, तो उसमें अगर
नींद भी आ रही है तो भी नींद लेनी, किसी तरह से उसको रोकना है नींद, 10 मिनट नहीं पढ़ना है, फिर पढ़ने लगे। मैं सुबह 7 बजे लाइव में जाता था और रात को 9 बजे आता था वहाँ से, क्यों गर्मियों का मौसम था तो 7 बज जाते जल्दी, 7 बजे लाइव में बैठे 7 से 12 तक, 2 सब्जेक्ट करने तो करने ही, फिर करने हैं तो करने ही है क्योंकि और कोई काम नहीं है इसके अलावा। सिंपल सी बात, नींद आती थी तो हल्का फुल्का घूम लिया चाय पी ली, मतलब अपना टारगेट पूरा हो जाओ उसके बाद सो जाओ, सिंपल सी बात है। और इनको जो ये अपने लिखवाते हैं ये नोट्स जो है ये सफिशियंट है या नहीं है ये इनको बताओ, क्योंकि मेरी बात नहीं मानती बस इनको कर लो ना तो उसके बाद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये सर इतना करवा देते हैं ये नहीं कर पाते, रिवाइज करो इनको रोज, पार्ट्स में डिवाइड करके रिवाइज करना पड़ता है। और कुछ मत करो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कुछ मत करो, सिंपल सी बात है, आपको जो दे दिया ना बस उसको कर लो, सिंपल सी बात है। जितनी मेरिट जाएगी उस मेरिट में आप आ जाओ, आपको नौकरी चाहिए वहां पर कोई ब्रिलियंट थोड़ी बढ़ना है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद में आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आप रुकोगे नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके बाद में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फंडा होता है, जब हम सक्सेस हो जाते हैं ना उसके बाद हमारा दिमाग अपने आप चलने लग जाता है, फिर हम दिन भर भी दौड़ते ही और हमें कोई कर भी नहीं सकता। तो ये है सुनील कुमार, इनका LDC में चयन हुआ है, तो एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। मैं जब भी कोई बच्चा आता है, अभी तो आप सभी क्या नए लॉकडाउन के बाद की उपज हुआ उसके बाद तो इस कारण से आप जानते नहीं, यहाँ जो बच्चा सिलेक्ट होता है उसका इसी तरीके से सम्मान किया जाता है। और अभी तो हमारे पास क्या तो फूल मालाएं नहीं है, नहीं जिनका करते हैं, सिर्फ मेरी आदत है। और यहाँ जब भी आता है मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि वहाँ जो आप बैठे हो, ये सभी जो आप बैठे हो, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कौन ललायक है, कौन आना चाहता है वहाँ से यहाँ, वो नॉर्मल बात है। ये यहाँ से आना के अभी आ जाता हूँ वो नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें एक दिन यहाँ सर के साथ खड़ा होना चाहिए, भाई हमारा गौरव मान ऊंचा होता है यार, सिंपल सी बात है यार। मुझे लगता था कि मैं था तब भी आते थे बच्चे, हमने भी देखा था यहाँ पे आना ही आना है, 6 महीने हमने एक साथ बैठ के लाइब्रेरी को दे दिया, मात्र 6 महीने उस नंबर आ गया, 6 महीने से ज़्यादा नहीं देना किसी भी वैकेंसी, पटवारी की 6 महीने बैठ के कर लो, 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक नंबर आ जाएगा, 6 महीने की देर नहीं। बस ये बस होना आस पास कुछ नहीं, बस जो है एक तो है ना अपने डाटा क्लियर होना चाहिए, ये पढ़ना है इतना पढ़ना है बात खत्म, बीच में कोई है ना कोई सुराग नहीं होना चाहिए कि इधर से कुछ आ गया इधर से कुछ आ गया, ये नहीं होना चाहिए कभी भी, ये नहीं होना चाहिए। बोलते मैं ये भी पढ़ लूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो थोड़े टाइम पहले गया था दुकानों पर तो मैंने देखा पता नहीं क्या बवंडर में चल रहा है, पता सिस्टम ही अलग सा है, बच्चा कन्फ्यूज किया गया, आदमी वहाँ पर अच्छा वाला आदमी सही बीमार हो क्या जाए उससे, इतना गलत कहा था। लेकिन हम क्या करें, ये चाहे दुर्भाग्य कह दीजिए चाहे लोगों की समझ कह दीजिए, हर किसी को समझाना हमारे बस से बाहर नहीं कह सकते। हाँ इतना जरूर है जब ठोकर लगती है तो समझता जरूर है, ये कन्फर्म, लेकिन ये जो जिस तरीके से ये सिलेक्ट होते हैं ये विश्वास करते हैं, ये हमारे विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं और हम अपनी बात पर भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं सिंपल सी बात है, इन्होंने एक ही शब्द इस्तेमाल किया रिवाइज, एक ही शब्द इस्तेमाल किया, अब इसको समझ सकते हो तो समझ लो, आप अपने जीवन में इसको लेके चलते हो तो देखिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट क्या करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, इस लेने देने के चक्कर में क्या होता है वो भूल पाते भूल जाता है, बस ये गलती आपने नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, आप जो भी कर रहे हो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जो भी आपके सिलेबस में है उसको अलग अलग करो, अलग अलग टीचर से करो, अलग अलग जो ये जो भी आप विद्वान है उनसे लो, इन्होंने भी अलग अलग ही अलग अलग ही की, मैंने भी एक जगह एक जगह नहीं की, इन्होंने अलग अलग की, कोई कुछ नहीं होता आपको लगभग है ना सारा उसको एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना होता है, क्या कामयाबी की कोई शॉर्ट ट्रिक होती है क्या, ये नहीं बात कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती कामयाबी की, कामयाबी की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं,
बस ये ध्यान रखें और अपने मन में प्रेरणा लो यहाँ आना। ये जैसे भाई ये भी स्कूल लेकर आए तो आप जैसे कोई अलवर का कला तक ले आओ या ऐसे चर्च हो या ये चाहते हैं सब ले आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब भी आप बोल देखे ठीक है का? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे और कामयाब होइए और लोगों को प्रेरित करिए। ठीक है।